हाउ टू कॉलिमेट योर टेलीस्कोप। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हिंदी में यूट्यूब पर सिर्फ आपको एक या दो ही वीडियो मिलेगा। अगर आपके पास एक रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है तो उसको कॉलिमेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका टेलीस्कोप अनकॉलिमेटेड रहेगा तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, चाहे वो कोई प्लैनेट हो गया या फिर डीप स्काई ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपका ऑब्जेक्ट शार्प नहीं आएगा, ब्लरी आएगा, फोकस में नहीं रहेगा। अगर आप अपने टेलीस्कोप से शार्प और क्लियर इमेज चाहते हो, बिल्कुल एकदम फुल पोटेंशियल चाहते हो अपने टेलीस्कोप से, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं आज आपको चीप और बेस्ट वे में दिखाने वाला हूँ आप अपना टेलीस्कोप को कैसे कॉलिमेट कर सकते हो। दोस्तों कॉलिमेशन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरा टेलीस्कोप मैंने बहुत मुश्किल से कॉलिमेट किया था, लेकिन मैंने आज उसको अनकॉलिमेट कर दिया जस्ट बिकॉज आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे कॉलिमेशन किया जाता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलिमेशन का मतलब क्या होता है। कॉलिमेशन का मतलब ये होता है कि आपका टेलीस्कोप का जो पीछे प्राइमरी मिरर है और आगे जो सेकेंडरी मिरर रहता है, वो दोनों बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, एक एक्सिस में होना चाहिए। अगर एक डिग्री या फिर दो डिग्री भी इधर उधर हो गया तो आपका टेलीस्कोप अनकॉलिमेट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी चीप है। आपको ना कोई लेज़र कॉलिमेटर चाहिए, ना कोई कॉलिमेशन कैप चाहिए। जिसके पास भी रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है, चाहे वो जो भी हो जाए, तो वो आसानी से इस मेथड को अप्लाई करके कॉलिमेट कर सकता है अपने टेलीस्कोप को। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चेक करते हो मेथड क्या है, चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने टेलीस्कोप का आईपीस कैप लेना है और उसके दोनों तरफ से दो रेडियस ड्रॉ करना है। एंड इसके बाद उस आईपीस कैप के बिल्कुल सेंटर पे आपको एक छोटा सा होल बनाना है। इस काम को आप जितना ज़्यादा एक्यूरेटली करेंगे उतना ही अच्छा कॉलिमेशन होगा आपका टेलीस्कोप का। इसके बाद आईपीस कैप को टेलीस्कोप के फोकसर पे लगा देना है। इसके बाद आप एक मोबाइल होल्डर को फोकसर के ऊपर अटैच कीजिए और आईपीस कैप के ऊपर जो होल हमने बनाया था उसके साथ फ़ोन के कैमरे को अलाइन कर लीजिए। एक बार अलाइन करने के बाद आपको फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से सेकेंडरी मिरर का फुटेज आपको मिलेगा। अगर आपके स्क्रीन पे सेकेंडरी मिरर बिल्कुल गोल दिख रहा है तो इसका मतलब आपका सेकेंडरी मिरर कॉलिमेटेड है, इसको मत छेड़ना। लेकिन अगर वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, कुछ डी शेप का या फिर कुछ और शेप का दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका सेकेंडरी मिरर अनकॉलिमेटेड है, उसको कॉलिमेट करना पड़ेगा। सेकेंडरी मिरर को कॉलिमेट करने के लिए टेलीस्कोप के आगे सेकेंडरी मिरर होल्डर पे तीन स्क्रूज दिए गए हैं। इनको आपको एडजस्ट करके इसको बिल्कुल सर्कुलर बनाना है, कुछ इस तरीके से। एक बार सर्कुलर बनाने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सेकेंडरी मिरर हो चुका है अलाइन। इसके बाद हम लोग अलाइन करेंगे प्राइमरी मिरर, मतलब टेलीस्कोप के पीछे वाले मेन मिरर को। अगर आपका टेलीस्कोप में स्पाइडर वेन सेंटर में नहीं है, मतलब ये जो क्रॉस शेप का कुछ दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, वो अगर बिल्कुल सेंटर में नहीं है, कुछ सेंटर से हटके कहीं पे है, तो इसका मतलब आपका प्राइमरी मिरर अनकॉलिमेटेड है, उसको कॉलिमेट करना पड़ेगा। उसके लिए टेलीस्कोप के बिल्कुल पीछे कुछ स्क्रूज दिए गए हैं, जिनमें से छोटे वाले स्क्रूज हैं लॉकिंग स्क्रूज और बड़े वाले स्क्रूज हैं कॉलिमेशन स्क्रूज। सबसे पहले आपको लॉकिंग स्क्रूज को थोड़ा सा लूज करना है, ज़्यादा भी नहीं। देन उसके बाद कॉलिमेशन स्क्रूज को एडजस्ट करके स्पाइडर वेन को बिल्कुल मिरर के सेंटर पे लेकर आना है। जितना एक्यूरेटली काम करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आपका कॉलिमेशन होगा। एक बार स्पाइडर वेन मिरर के सेंटर में आ जाए तो इसका मतलब आपका सेकेंडरी मिरर और प्राइमरी मिरर दोनों हो चुका है बिल्कुल कॉलिमेट। बहुत जल्द हमारा नेक्स्ट वीडियो चैनल पे आने वाला है और जो एक डीप स्काई ऑब्जेक्ट के ऊपर वो होने वाला है। तो स्टे ट्यून एंड क्लियर स्काइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।